सामने कोई है यार, आपको क्लियर दिख रहा है? देखो ओए ओए ओए, कहां गई? इस रोड पर वो औरत दिखती है जो आने जाने वाले साधनों को रोककर उनसे मुक्ति मांगती है। और वो देखो, ऊपर कैमरा करके दिखा रहा हूं। कर भाग कर, गाड़ी की तरफ चलो, कुछ भी हो सकता है आगे पीछे। चलो गाड़ी की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। मैं आपका भाई जस्सी एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, आपकी दुआओं से और आपके प्यार से हम सब भी ठीक है। आज मैं अकेला खड़ा हूं, एक मोस्ट हॉन्टेड रोड है इंडिया की, जयपुर के पास। जी बिल्कुल सही सुन रहे हो, मोस्ट हॉन्टेड रोड ऑफ इंडिया जयपुर के पास, जहां पर मैं इस समय खड़ा हूं। कैमरा मैंने गाड़ी के ऊपर रखा हुआ है और जल्दबाजी में मुझे शूट करनी पड़ रही है। उसका रीजन क्या है कि यहां पर रात को जानवरों का खतरा बहुत है, पैंथर का, ठीक है, जहरीले सांपों का, जहरीले जानवरों का, बहुत से जहरीले जानवर होते हैं, सांप, बिच्छू, ठीक है। यहां पर रात को आना मना है। एक इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड रोड, स्केरी वुमेन गोस्ट, जो गाड़ियों के और आगे और पीछे इस रोड पर दिखता है, कहते हैं कि वो एक औरत है। एक औरत है जो आने जाने वाले साधनों के आगे पीछे दिखती है, उनको रोकती है और अपनी मुक्ति मांगती है। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, मैं अभी इंट्रो दे रहा हूं इस जगह पे और बड़ा ना मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस जगह पे इंट्रो दे रहा हूं, ये आप मेरे गूस बम्स देखो, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास कोई है जो मुझे क्लियरली दिख नहीं रहा। ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, ये रोड इन्वेस्टिगेट करेंगे, कौन सी वो स्केरी वुमन गोस्ट है, कौन सी वो लेडी है जो रात को साधनों के सामने दिखती है, उनके पीछे दौड़ती है और नुकसान भी पहुंचाती है और सबको कहती है कि मुझे मुक्ति चाहिए। शॉर्ट में स्टोरी समझा देता हूं। एक मोस्ट हॉन्टेड रोड है जिसके ऊपर एक औरत दिखती है जो रात को घूमती है, साधनों को रोकती है, उनके आगे पीछे घूमती है, मंडराती है, कहती है कि मुझे मुक्ति चाहिए। तो मेरे आसपास कोई भी है, मैं इस जगह पे आया हूं, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने आया, क्लियरली बोल रहा हूं। आसपास आपको आवाज सुन रही होगी, सामने रोड है थोड़ी दूर और ये बीच में से हॉन्टेड फॉरेस्ट रोड आप इसको बोल सकते हो। मुझे नहीं पता यार मेरा कितना फेस आ रहा है, मैंने कैमरा फटाफट सामने रखा और साथ के साथ बोलना शुरू कर दिया। ये अपने पीछे एक आवाज़ सुनी होगी साधन की, आपको बोल रहा हूँ काफ़ी दूर यहाँ से रोड है। सामने मेरी आंखों में लाइट पड़ रही है तो मुझे कुछ भी क्लियरली दिख नहीं रहा, कैमरा सामने पड़ा है, उसकी लाइट आंखों में पड़ रही है ना, तो मेरे आसपास का एरिया सारा धुंधला नज़र आ रहा है। तो उस लोकेशन की तरफ चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूं सामने। ये वो रास्ता है सामने की साइड जिसकी मैं बात कर रहा हूं और रात के लगभग 11 बजे का टाइम है, ठीक है। ये देखो पीछे से कुछ साधन निकला है, कोई साधन निकला है पीछे से। और आज मैं इसी रोड पे देखने आया हूं कि कौन सी वो औरत है जो अपनी मुक्ति मांगती है। यहां पे कहते हैं कि इस रोड पर एक शमशान घाट भी है आगे जाकर, जहां पर वो औरत चली जाती है। और लोगों ने यहां तक भी सुना है कि वो बोलती है कि मुझे शमशान घाट जाना है।
फिर से बता देता हूँ, एक मोस्ट हॉन्टेड रोड, जो रोड मैंने आपको सारी आगे पीछे से दिखा दी है, रात को एक औरत दिखती है इस जंगल के आसपास, जो बोलती है कि मुझे शमशान घाट में छोड़ दो, मुझे शमशान घाट जाना है, और अपनी मुक्ति मांगती है। कौन है वो स्केरी वुमन घोस्ट, क्या है वो, कुछ भी मुझे आइडिया नहीं है। पर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा आगे चल के रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको विश्वास हो इस लोकेशन पे, पता चले आपको कि यहाँ पर क्या है। बाकी सारी रोड में आगे जाकर गाड़ी से आपको दिखाऊंगा। ओए इस साइड नहर है आप देख रहे हो, पर ये अभी चीज हिली है यार। ओए ये देखो नहर इस साइड चल रही है, और मैं आपको जो बात बता रहा हूं बड़ी क्लियर स्टोरी है उस चीज की। यही वो जंगल है, यही वो रोड है, पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है, और ये वही रोड है जिसको मैंने आपको लाइव भी दिखाया है। आज पूरी रोड को इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है, देखेंगे वो। सबसे पहले चंद्रमा देखो, चंद्रमा देखो ऊपर, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, चांदनी रात है। ओए ओए ये कैसे हुआ यार, आसपास तो मेरे कोई भी नहीं है। कौन है, मैं एक काम करता हूँ, गाड़ी में बैठते हैं, पूरी रोड को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे, सामने की तरफ चलते हैं, ठीक है। और अभी फिलहाल दिमाग हो रहा है ख़राब, पता नहीं क्या है यहाँ पर, तो भाग कर गाड़ी की तरफ चलो, कुछ भी हो सकता है आगे पीछे, चलो गाड़ी की तरफ। गाड़ी में बैठते हैं, अगली शूट शुरू करते हैं, चलो यार चलो। सामने आप देख रहे हो वही रोड जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं। कैसा इसका नजारा है, कैसा इसका मंजर है आप देख रहे हो, और आज की वीडियो HD में शूट हो रही है, तो सबसे पहले लाइक करना वीडियो को। क्वालिटी इशू ऐसे कभी रहा नहीं है, बहुत पहले होता था, हमने बहुत सुधारा है, पर अब उसको और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे से और कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करें। पर आज की वीडियो आप आइडिया लगा रहे होंगे जो क्वालिटी आ रही है, तो HD में शूट कर रहे हैं। और सबसे पहले एक मैं बात आपको बता दूं, इस रोड पर वो औरत दिखती है। जी हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, इस रोड पर वो औरत दिखती है जो आने जाने वाले साधनों को रोककर उनसे मुक्ति मांगती है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है, अगर कोई बाइक या साधन कोई ऐसा भी हुआ है लोगों के साथ कि उसके पीछे बैठ जाती है और उसको पता नहीं चलता कि वो उसके पीछे बैठ गई है। ये सामने क्या है यार, पेड़ ऐसे कैसे हो रखा है यहाँ पे। सामने आपको क्लियर दिख रहा होगा एक पेड़ है जो टेढ़ा हो रखा है, और ये लोकेशन जो मैं शूट कर रहा हूं बहुत ज्यादा भयानक है मेरे दोस्तों। रात को यहां पर आना मना है, गांव वाला कोई भी नहीं आता है, कोई काम जरूरी हो खेत में तो अलग बात है, आसपास है जो ये पानी आप देख रहे हो जो निकल रहा है नहर से, पर फिर भी लोगों में डर है कि वो चीज कहीं ना कहीं सामने ना आ जाए। और कैसा ये रास्ता है आपको बताने की जरूरत नहीं है,
सामने आप इस रास्ते को देख रहे होंगे और आइडिया आपको लग गया होगा, सामने वो वाइट वाइट क्या है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप सबकी दुआएं साथ में हैं, जो भी वीडियो को देख रहा है पहले टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर जो भाई देख रहे हैं शेयर करें, और जो भाई कमेंट करेगा प्यारा सा उसको लाइक मिलेगा, और लाइक में हमेशा करता हूं मैं, आपको पता है। गाड़ी की लाइट मैंने छोटी कर ली है, पीछे कैमरा जब मैंने चालू किया आपको बताया बड़ी घबराहट हो रही थी, अजीब सी, ठीक है, जैसे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि मुझे लग रहा था कोई आसपास है पर मुझे कुछ दिखा नहीं। बाकी वीडियो में देखेंगे बाद में क्या दिखता है भाई। दोस्तों सामने किसी की आंखें चमक रही हैं, लेफ्ट साइड में अगर आप गौर से देखोगे किसी की आंखें चमकती हुई दिख रही हैं। ये है क्या सामने, और ये देखो पेड़ गिरा हुआ है, इस रोड पर आप देख रहे हो पेड़ गिरा हुआ है, ये देखो। और शुक्र है कि नुकसान नहीं होगा किसी का, यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से। बाकी आपके सामने देखो कैसे गिरा हुआ ये, अभी मैं आपको रुककर पूरी लोकेशन चेक भी करवाऊंगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। रोड काफी वाइड है तो गाड़ी चलाने में दिक्कत नहीं हो रही, हमारे सामने ऐसी और भी कई लोकेशंस आई है जहां पे गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत होती है यार, बहुत बुरा हाल हो जाता है। बाकी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो आगे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पेड़ गिरा हुआ है रोड के बीच में, और दोस्तों ये मोस्ट हॉन्टेड रोड है, और रोड के बीच में पेड़ गिरना मतलब आप समझ सकते हो क्या दिक्कत हो सकती है। मैं आपको कैमरा बाहर निकाल कर और अच्छी दिखाता हूं, क्योंकि मेरा शीशा जो सामने आप देख रहे हो थोड़ा धुंधला भी हो सकता है। ये देखो सामने पेड़ गिरा हुआ है आप देख रहे हो, एक बार गाड़ी में बंद करता हूं आपको आसपास का माहौल दिखाता हूं आगे और पीछे। देखो मैंने लाइट पीछे भी ऑन कर रखी है, तो कोई भी है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने, आप अपनी मुक्ति मांगते हो इस रोड पर, हम आपकी मदद करेंगे भाई। बाकी पता नहीं क्या है, ये कौओं की आवाज कहां से आ रही है यार, ये देखो कौओं की आवाज आ रही है यार यहां पे। सामने की तरफ चलते हैं, कैमरे को मैंने रख दिया है डैशबोर्ड पे। ओए ओ सामने कौन है दोस्तों, सामने कोई है, वो देखो सामने कोई है यार, मैं आपको यहां से दिखाता हूं, वो देखो सामने आपको दिख रहा होगा कोई चीज चलती हुई जा रही है। मैंने गाड़ी बंद कर ली है, कौन है मैं पूछता हूं कौन है, सामने कोई है यार आपको क्लियर दिख रहा है, देखो ओए 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 कहां गई, तेरा भला हो, ओए अभी तो यहीं पर थी, अभी तो यहीं पर थी यार, और मैंने आपको दिखाने के लिए गाड़ी बंद की थी।
सामने ही नहीं यार, देखो यार, अभी तो सामने थी यार। आप दोस्त देखो यार, यहाँ पे ना रास्ता बहुत खराब है, देखो ये देखो, एक मिनट रुको, मैं सामने से साइड में करता हूँ, थोड़ा डंडा निकाल लूँ पहले। कौन है? यार अभी यहां पे थी, आपने देखा मैंने रास्ता बनाया मेरे लिए। ओए ओए मोरी, वो देखो पीछे वो खड़ी है यार, वो पीछे खड़ी है। ओ ओ ओ, ओ, ओ गाड़ी बंद हो गई, निकलो, वो फिर बंद हो गई यार। अभी मेरे आंखों के सामने वो गायब हुई, पीछे खड़ी है वो, देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं फिर। वो देखो दिख रही है, वो देखो वो देखो, वो ऊपर कैमरा करके दिखा रहा हूं। निकलो यार यहाँ से, वो पीछे ही है अभी भी।